हाय नमस्कार, सिटी न्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आशा मिश्रा। ये देख सकते हैं अभी डीसीपी साहब क्या बोल रहे हैं। रात में मैं आपको बता दूं, करीबन देर रात एनकाउंटर की खबर सामने आई थी। ये देख सकते हैं डीसीपी साहब मौके पर, परिजन मौके पर, वो तो जानते हैं क्या पूरा मामला था। डीसीपी साहब क्या बोल रहे हैं, सीपी साहब क्या बोल रहे हैं, ये देख सकते हैं। एसीपी, सॉरी माफ कीजिएगा, एसीपी अमन यादव यहाँ पर पहुंचे और परिवार को क्या बोला जा रहा है बजाने। अपनी रिपोर्ट देंगे इसके अंदर कि भाई क्या स्थिति थी, क्या था, कैसे क्या हुआ, साइंटिफिक चीजों के बेस पे फाइनल रिपोर्ट वो अपनी देंगे। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको जो बात मैं कह रहा हूँ या पुलिस कह रही है बिल्कुल मान लें, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो कानून का जो प्रक्रिया बनी हुई है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक इन्वॉल्व हैं, उस पर ज़रूर आप विश्वास करें, ताकि उसके अंदर जो भी रिपोर्ट है उसके बाद करें। आप अगर ये कह देंगे कि भाई हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करवानी है, तो भी वो बात हमारे कहने से, हम कहने से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं मानेगी। जो तथ्य आएंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी होनी है, ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप उस चीज़ के लिए बना कर सकते हैं। जैसा तथ्य उसके अंदर आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, उसमें तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ आएगी उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये एक निवेदन है कि जो प्रोसीजर है उसके अंदर थोड़ा सा आप विश्वास अपना बनाओ। मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, पहले आप एक बार अपन से मिल लें, सारे समझ लें कि उस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, और अगर आपको उस चीज़ की तसल्ली होती है तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें जैसी भी रिपोर्ट आए उसके बाद जो भी आरोपी उसके अंदर आते हैं, अगर आते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे जी हमें कार्रवाई नहीं करवानी, वो भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि कार्रवाई तो अगर उसके अंदर जिसकी भी गलती आएगी उस पर कोर्ट करवाएगी करवाएगी, और वो इंक्वायरी हमने रिक्वेस्ट करके आगे से जज सेशन साहब से रिक्वेस्ट करके वो करवाई है, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ की क्लैरिटी हो और महकमे का भी सभी को क्लैरिटी रहे कि इसमें क्या इस चीज़ में रहा है। तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है सभी से कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप जो स्थिति है उसको गंभीरता को उसको समझते हुए इस इंक्वायरी के अंदर जो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और उसमें मैं और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं सभी इस चीज़ में साथ, अगर किसी की भी गलती आएगी 100% आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं आप पूछना चाहते हैं। सुबह तक तो सुबह के 7 बजे अभी ये चाह रहे हैं फिलहाल तो दर्ज हो जाए, नहीं दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर दोषियों के खिलाफ कोई भी मुकदमे को कोई भी नहीं बचा सकता है, जो गलती आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि आप कार्रवाई मत करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम होगा, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, उसमें जो भी दोषी होगी मजिस्ट्रेट साहब करवाएंगे। आप पहले उनसे मिले, प्रोसीजर समझे, अगर आपकी तसल्ली हो तो गए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मानो, बिल्कुल साहब आएंगे एक बार, 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी उससे ज्यादा नहीं, एक बार बैठ करके मिलकर प्रोसीजर समझो। वो हमारी नहीं मानते हैं भाई, आपको भी पता है कोर्ट किसी की नहीं मानती, कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, वो पूरी डिटेल्ड अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद जिनके खिलाफ भी सबूत आएंगे, जो इनके खिलाफ भी मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी के अंदर नाम आया जो आया नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी 100%। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके अंदर विश्वास रखें, और ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए की गई है ताकि संतुष्टि परिवार की भी होगी सच में घटना क्या हुई, और जो पूरी जो घटना थी उसकी पूरी जो है वो तय तक जाँच हो सके। तो आप एक बार साहब से मिल करके, पूरा भरोसा है, इतना बड़ा मामला हो गया तो क्या पुलिस को नहीं पता पड़ी अभी कैसे मरा, क्या मरा, किसने गोली लगी? पुलिस को जो मामला है उसके अंदर ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। आप लोगों को उस चीज के अंदर जो शुरुआत में परिवार वालों से बात हुई उनको उस चीज़ में थोड़ा सा लग रहा है कि स्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए ही इसके अंदर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करी गई है, ताकि एक इंडिपेंडेंट उससे इस चीज़ की जांच। दो लड़के और भी उठा रखे हैं कम से कम, वो तो क्लियर बताएंगे क्या था क्या नहीं था अभी तक मामला। जो अन्य युवक दो साथ में थे उनके बयान मजिस्ट्रेट साहब ही लेंगे, उनके साथ वही पूछताछ करेंगे, उसमें हम नहीं रहेंगे शामिल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी तसल्ली वो उस चीज़ में करेंगे। एसीपी साहब, इससे ज्यादा तो अनिति क्या होगी, आदमी गाँव में जाकर गोलियां लग रही है, गोलियां मार रही बीच गाँव में, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि आदमी अनिति हो पाएगी। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर बहुत होनहार अफसर हो, यदि इस तरफ से भी नहीं मिलेगी ना घर के अंदर, तो खाली आश्वासन से तो नहीं चलेगा काम। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है उसको समझ करके अपनी तसल्ली करें, और उसके बाद जो कार्रवाई अपनी करवाओ मजबूती से कराओ, कोई चीज आपको जो शक है सारे क्लियर करो, जज साहब को बताओ, मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी, आप वो कार्रवाई तो करेंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुबह से टाइम हो लिया, मुकदमा दर्ज कर यहाँ बैठा है, जो भी हो यहाँ सब लोग बैठे, ये लोग जावे मुकदमा हो जाए, एक मिनट मुकदमा हो जाए, एक आध घंटा जाम करेंगे फिर, ये तो बात थोड़ी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ,
आप लोग डिसाइड कर मिलेंगे, समझेगी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो आपका फैसला बता देंगे। एक बार मिलकर जनाब ये चाहते हैं FIR हो दोषियों के खिलाफ, FIR की कॉपी इनके हाथ में हो और ये अपनी बॉडी उठाए। यदि जब तक इनकी FIR नहीं होगी, दोषियों के खिलाफ बोर्डिंग नहीं होगी, रोड जाम करने नहीं, नहीं, उसके बाद भी नहीं, FIR के बाद तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो बात की बात है, पहले FIR हो। अभी परिवार के आप लोग 5-7 लोग जज साहब आने वाले हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट इंतजार कर, इंतजार कर, 10 मिनट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब उन्होंने आश्वासन दिया है, कोई बात कही है तो वो भी बड़े अफसर है। ये देख सकते हैं अभी ACP क्राइम ACP अमन यादव यहाँ पर पहुंचे थे और परिवार वालों को अभी फिलहाल समझाया गया है कि जैसे ही कुछ, ये देख सकते हैं अभी परिवार के जो मेंबर है वो साफ तौर पे यही बोल रहे हैं कि जब तक इनको अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से, इस DCP के साहब से, ACP साहब की तरफ से कोई इनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे और बॉडी को यहाँ से नहीं लेके जाया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर लगभग कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं और वो बॉडी देने के लिए, बॉडी ले जाने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, एक बार परिवार से और भी जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, उसके बाद आगे का डिसीजन लेंगे, क्या बॉडी लेंगे या नहीं लेंगे, किस कंडीशन पे लेंगे। यदि ये हमें इस बात से दबाना चाह रहे हों या धमकाना चाह रहे हों, ये अपने दिमाग से निकाल दें इस चीज़ को। और बॉडी, हमारा बच्चा था वो चला गया, अब वो 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, चाहे 6 दिन हो जाए, बॉडी जब लेंगे, जब समाज का और उनके परिवार का पेटा भरेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो हमें यही नहीं पता कि किसने एनकाउंटर किया है, किसने गोलियां मारी हैं, कोई पुलिस कौन अधिकारी थे, बदमाश थे, क्या थे, वो तो क्लियर करें भैया। ये आए हैं, इनके अधिकारी आए, ये तो क्लियर तो करें, ये फलाना अधिकारी था, फलानी पुलिस थी, कोई बदमाश थे, क्या थे, उसको तो क्लियर करें पहले। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनको दरखास्त दे दिए और इनको बहुत छोटा अंटीमेंट दे रहे हैं हम, या तो ये हमारा मुकदमा दर्ज कर दें और नहीं तो जो कार्रवाई होगी फिर जो जनता की कार्रवाई है वो करेंगे। मतलब अभी आप लोग को कोई जानकारी नहीं मिली, 4 मामले दर्ज थे उस पे, उस पे कोई 4-5 मामले दर्ज नहीं थे, जो उनका परिवार या घर वाले बताते हैं। लेकिन क्या कोई 323-506 के मुकदमे होते हैं क्या, कोई संगीन, क्या उस पे बहुत बड़े कोई मर्डर, 307 लूट डकैतियां लग रही थी क्या, या उस पे कोई इनाम घोषित हो रहा था? ना तो उस पे कोई इनाम था, ना उस पे कोई लूट डकैतियां थी और ना उस पे कोई मर्डर थे, ऐसे कोई जुर्म नहीं था। अभी यहाँ पे DCP साहब पहुंचे, कोई आश्वासन, कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जैसे कि थोड़ा सा? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, अभी कोई आश्वासन नहीं है और ना उनके आश्वासन से काम चलेगा, काम करने से काम चलेगा, ये जो प्रैक्टिकल करेंगे उससे काम चलेगा, खाली आश्वासन से काम नहीं चलेगा। श्रीमान जी कौन आ रहा है, किस लिए 10 मिनट का वेट? ACP साहब कह रहे हैं कि भाई 10-15 मिनट। जज साहब आ रहे हैं, देखो ये जुडिशियरी की कोई जज साहब आते हैं उसके उसमें वो पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन हम उस बात पे एग्री नहीं है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएं। बबलू साहब, 2 लड़के और भी थे, उनका भी नहीं पता चला, उनका भी नहीं बता रहे अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उनको भी देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो हम उनसे भी पूछे तो उनका भी, उन्होंने कोई संतुष्ट जगह जवाब नहीं दिया। पुलिस प्रवक्ता का बयान आया है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे बीती रात को, क्या ये सच है? पुलिस ने ये तो बयान दे दिया किसी वारदात को अंजाम, पुलिस ने ये बताया कि किसने गोली चलाई है, घर पे गोली चली, अभी तो पुलिस उसको ही नहीं बता रही किसने जरिए क्या, बीच गाँव में चौक पे कौन सी वारदात को अंजाम देने जाते हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, उसी के गाँव में किस वारदात को अंजाम देंगे, ये अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये CCTV फुटेज में भी पुलिस आ रही है, जा रही है, गांव में घुस रही है, ये कोई है आपके पास कोई? देखो वो तो वो बताएंगे किस लिए आ रहे हैं किस लिए नहीं जा रहे, वो तो वो चीज बताएंगे, लेकिन हमारे बच्चे की, निर्दोष बच्चे की हत्या हुई है और हमें न्याय की, न्याय चाहिए, किस एंगल से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देखते हैं आगे। ये देख सकते हैं परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ से बॉडी को जो है वो नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से यहीं पर बॉडी, चाहे वो 4 दिन बीत जाए, चाहे वो 5 दिन बीत जाए, यहीं पर लगातार ये बॉडी यहीं पर, पूजा पकड़ लेकर आराम से पकड़ो, शट डाउन हो जाएगा, ये देख सकते हैं परिवार के जो मेंबर है काफी गुस्साए हुए, इनका साफ तौर पर यही है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर जो भी लड़का खत्म हो उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी कि किसने मारा है, आखिरकार क्यों मारा है उसको, अभी एनकाउंटर वैसे क्यों किया गया था, ये रात का मैं आपको बता दूं, बीती रात का ये मामला है जहां पर सोचिए कुछ
युवक गाड़ियों से जा रहे थे और जो पुलिस और इनके बीच में मुठभेड़ होती है जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। ये देख सकते हैं परिजन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन, क्राइम ब्रांच सब यहाँ पर मौके पर है और DCP साहब भी लोगों से यहाँ पर जो परिजन है उनके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन से अंदर बात कर रहे हैं, जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये देख सकते हैं धौस थाना क्षेत्र पड़ता है, मोहब्ताबाद गांव पड़ता है, जहां पर ये जो घटना को अंजाम दिया गया था बीती कल देर रात का ये मामला। और जो युवक का जो नाम बताया जा रहा है वो क्या नाम था युवक का? बल्लू नाम है, बल्लू नाम है, जिनके कल एनकाउंटर में डेथ हो जाती है मौके पर। ये देख सकते हैं मतलब यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखा दो तो भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। सभी लोग ये जो कुछ परिजन है तो कुछ गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम भीड़ है लोगों की। और इनका देख सकते हैं साफ तौर पर परिवार वालों को यही है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनको जब तक ये नहीं पता चलेगा किसने मारा, आखिरकार क्यों मारा है, जब तक ये यहाँ से बॉडी नहीं लेके जाएंगे। तो ये देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको बता दूं ये जो जितने भी परिजन है ये BK मॉर्चरी में जो है बॉडी को रखा गया, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा तो हैं लेकिन वो साफ तौर पर बॉडी को ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मतलब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाँव, क्योंकि जो बताया जा रहा परिवार का कहना है कि बच्चा निर्दोष था, अभी कुछ उसने ऐसा कुछ किया नहीं था जिसका एनकाउंटर किया जाए। लेकिन ये पुलिस की एक घटना कल देर रात के सामने आई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर PRO साहब का भी यही बयान सामने आया था कि कुछ शायद ये बाहर कुछ उनको घटना को देखा होगा घटना स्थल पे, तो पुलिस इनका पीछा करती है और ये देख सकते हैं ताकि, और फिर इन लोगों में मुठभेड़ भी होती है जिसमें गोलीबारी चलती है, जिसमें एक युवक की जो है वो मौत हो जाती है जिसका नाम बल्लू बताया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं परिजन है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देख सकते हैं मौके पर ही जो है विजय प्रताप यहाँ पर पहुँचे हुए नेता हैं और ये देख सकते हैं इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि परिजन जो है वो यहीं पर मौके पर पहुंचे हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट थोड़ी देर रुक जाओ, बात को बुझाओ थोड़ा सा, पूछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्राइवेट वैसी बात, कोई बात नहीं, प्राइवेट बात है, नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं अभी फिलहाल बातें चल रही हैं गाँव की, आपस की बातें हैं, हम बाद में आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं विजय प्रताप सिंह जो कि कांग्रेसी नेता है यहाँ पर मौके पर पहुंचे और परिवारजन को आश्वासन दे रहे हैं कि जरूर उनको इंसाफ मिलेगा और जो भी घटना है या फिर जो भी वारदात हुई है उसका सच जो है वो सामने जरूर आएगा। ये देख सकते हैं लोग यहाँ पर पहुंचे तो हैं लेकिन बॉडी को ले जाने के लिए साफ तौर पर मना किया जा रहा है कि नहीं लेके जाएंगे बॉडी। ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको सब भीड़ ही भीड़ दिख रही होगी, पुलिस यहाँ पर मौके पर है। मैं आपको बता दूं विजय प्रताप यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन अभी कुछ ऐसे प्राइवेट उनके गांव की बातें चल रही हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अभी थोड़ी देर रुकने के लिए बोला है। बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। ये देख सकते हैं मतलब तमाम लोगों के, तमाम गांव के जो मेम्बर हैं परिवारजन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? कुछ नहीं दे रहे, कह रहे 10 मिनट खाली, बस कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, मजिस्ट्रेट आएगा तो उसके बाद आप लोग को 10 मिनट कर रहे हैं, कुछ नहीं है 10 मिनट से अभी तक 10 मिनट पूरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है। ये देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ तो अभी विजय प्रताप सिंह जो कि कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के बीच पहुँचे, आश्वासन देने के लिए पहुँचे हैं कि
जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट दिखाएंगे, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के जितने भी परिजन हैं वो यहाँ पर मौके पहुंचे और यहाँ पर देख सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची है। मैं फिर से अगर आपको बता दूं तो बल्लू नाम का युवक था जो कल मंदिर से दर्शन करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर पुलिस पीछा करते हुए एनकाउंटर में सोचिए उस युवक की मौत हो जाती है। ध्वज थाना क्षेत्र पड़ता है, मोपताबाद गाँव पड़ता है। मैं आपको फिर से बता दूं तो अभी जो परिवार का कहना है कि मजिस्ट्रेट साहब आएंगे यहां पर, उसके बाद जो फैसला होगा वो बाकी की आगे के अपडेट जो भी है वो बताएंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं मैंने आपको ये अभी लाइव तस्वीरें दिखाई हैं, इससे पहले भी मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने साफ तौर पर बताया था कि ध्वज थाना क्षेत्र पड़ता है और कल देर रात का ये मामला है जो कि बल्लू नाम का युवक है, ये लोग मंदिर से दर्शन करके यहाँ से घर की तरफ जा रहे होते हैं, वहीं पर बीच रास्ते में इस युवक का एनकाउंटर हो जाता है, मौके पर ही मौत हो जाती है। ध्वज थाना क्षेत्र पड़ता है और मैं आपको मोहब्ताबाद गाँव पड़ता है जहाँ ये देर रात कल घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं परिजन यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है, पुलिस प्रशासन क्राइम ब्रांच सभी यहाँ पर मौके पर अलर्ट है। बाकी अभी एसीपी साहब अमन यादव जो हैं वो अभी यहाँ पर परिवारजन को आश्वासन दे के गए हैं कि जो भी आगे का अपडेट होगी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी परिजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मौके पर और परिजन से बात की जा रही है। ये देख सकते हैं परिजन यहाँ पर हैं, लेकिन अभी जो है बॉडी ले जाने से साफ तौर पे मना किया जा रहा है। ये दे सकते हैं बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी क्या निकला है निष्कर्ष वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये दे सकते हैं ये सारे परिजन हैं, अभी जो भी बात है जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हम आपको ज़रूर आगे अपडेट करेंगे। और तमाम लोगों के जो परिजन यहाँ पर मौके पे मौजूद है, मैं आपको फिर से अगर अपडेट बता दूँ, ध्वज थाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर कल देर रात एक मामला सामने आता है, मोपताबाद गाँव पड़ता है जहाँ पर एक युवक एनकाउंटर के जरिए मार दिया जाता है, मतलब उसका एनकाउंटर हो जाता है जिसमें युवक की मौत हो जाती है। यहाँ पर परिजन सभी मौजूद हैं और आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं चरमिश्रा साथी पूजा के साथ सिटी न्यूज़ 100 के लिए।